हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसे कि न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर ना निकलना पड़े। अब तो वैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आने लगे हैं घर पे, फिर भी आपको सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए जब भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आए तो उन्हें आप सैनिटाइज़र से या तो सैनिटाइज कर ले या फिर उन्हें तुरंत उसी समय डिब्बे से निकाल कर बाहर रख दे, ताकि थोड़ी देर बाद फिर आप उसे अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर ले। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स आए थे उन्हें मैंने सैनिटाइज़ कर लिया है और मैंने उसे अभी अनबॉक्स नहीं किया है। मैं चाहती थी कि आप लोग उसे अनबॉक्सिंग होते हुए देखिए, तो क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि उसमें कैसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या है। क्योंकि वैसे तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद मंगाया, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। मैंने खुद के 3,429 रुपीज़ मैंने खर्च किए हैं इसे मंगाने में, तो काफ़ी पैसे लग गए मुझे। वैसे मैंने ये सब प्रोडक्ट्स इसलिए मंगाए क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है सुहोनी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनके साथ मेकअप ट्यूटोरियल कुछ और बनाऊं उनके लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और ताकि मेरे मेकअप ट्यूटोरियल अगर आप लोग को भी पसंद आ रहे होंगे, वैसे मैंने एक ही बनाया अभी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उसे आप ज़रूर चेक कर लें। और मेरी और भी वीडियोज़ देखते रहें। मैं देख रही हूँ कि मेरे और भी वीडियोज़ जो मैंने रेसिपीज़ वगैरह के डाले, आपने उन्हें नहीं देखा है, तो प्लीज़ फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे रेसिपीज़ की वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ, मेरे सब्सक्राइबर अभी उतने नहीं हैं। फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें बता सकूँ, या फिर जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसमें कुछ भी ऐसा पहले से ही सोचा हुआ नहीं रहता। देखिए, अभी मैंने जो मेरा न्यू मोबाइल फ़ोन आया था उसका वीडियो भी मैंने तुरंत एग्जैक्ट ही टाइम पे यूट्यूब पे जैसे ही बनाया वैसे ही डाल दिया, मैंने उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं की थी। और आज का वीडियो भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, तो चलिए फिर देखते हैं मैंने क्या क्या मंगाया है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी अमेजन से। तो मुझे ये कोई भी चीज़ जो भी मिली है, ये किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, ना ही मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है कुछ भी, मैंने खुद के पैसे से मंगाई है। तो चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट चीज़ मैंने क्या मंगाई थी। तो ये मंगाया था मैंने मेकअप फिक्सर, जो कि मेकअप फिक्सर नेचुरल है, इसमें एलोवेरा विथ विटामिन ई है और ये स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट है। इस मेकअप फिक्सर में जो इंग्रेडिएंट है वो है फिक्सिंग ग्लू, विटामिन ई, प्रोपिलीन, ग्लाइसॉल, एलो फ्रेग्रेंस, प्योरीफाइड वाटर और मिथाइल पैराबेन। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये मेकअप फिक्सर मंगाया है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो सोचा कि जब मुझे कुछ मेकअप ट्यूटोरियल बनाने हैं तो ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये थी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि और चीज़ें क्या क्या आई हैं। देखिए, देखते हैं इसमें है आईलैशेस, ये आईलैश कर्लर है, इसके साथ मिला है फ्री में। और ये है आईलैशेस, देखते हैं। देखिए आईलैशेस, इसका शेड है 032, हुडा ब्यूटी लिखा है इस पर। ये 016 है, इसका शेड ये है, ये सेम शेड का ही इन लोगों ने दे दिया है, 016, 032 और 011। तो मुझे टोटल मिले हैं 5 आईलैशेस, जो कि आप लोगों ने देख लिया है, और ये ग्लू भी मिला है। तो चलिए, मैं बाद में आपको मेकअप ट्यूटोरियल में बताऊंगी इसे लगाने के बाद कि कैसा हुआ। उसके बाद अब देखते हैं अब क्या आया है। आज मैंने ये लिपस्टिक मंगाई थी,
मैंने ये लिपस्टिक मंगाई है, ब्लशिंग न्यूड है ये, लैक्मे 925 की लिपस्टिक है और काफ़ी अच्छी है। प्राइमर प्लस मैटे लिपस्टिक है ये। इसका मैंने आपको बता दिया था ब्लशिंग न्यूड है। तो चलिए मैं आपको और भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ अभी। और क्या मंगाया था मैंने इसमें, मैंने एक पर्स मंगाया था पर जैसा पर्स दिखाया था उसमें ऐसा तो है नहीं है। कॉम्बो प्रोडक्ट मिस मैम, मिस एंड मैम प्रोफेशनल वुड मेकअप ब्रशेस। ओके, तो ये मेकअप ब्रशेस वाला है, ये मेकअप ब्रशेस का है, मुझे पता नहीं था सारी। इसके साथ मुझे दो ब्लेंडर मिले हैं और देखते हैं। वाह, देख सकते हैं ब्रशेस को रखने के लिए भी दिए हैं बहुत अच्छा अच्छे सा। तो जैसा कि आपने देखा मैंने ये मंगाया था, इसमें ब्रश है, इसमें 24 टाइप के ब्रशेज है जो कि मिस एंड मैम का है वो मैंने मंगाए हैं। और प्राइस कौन चला है, ये इसका आया है और वैसे ये सेट्स विथ लेदर स्टोरेज पाउच 24 पीसेस हैं जिसमें 2 स्पॉन्ज पफ हैं। और वैसे इसका MRP है 1989 पर ये मुझे अमेज़न पे पड़ा है। कितने का कहाँ चला गया, हाँ ये मुझे 399 का पड़ा था, नो सॉरी 419 का पड़ा था ये पूरे ब्रश के सेट, और इस पर कॉस्ट लिखी है 1989। तो अब ज़रूरी तो नहीं है जो कॉस्ट लिखी हो वही चीज़ें हो, पर मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास ब्रशेज़ नहीं थे मेकअप के, तो इसलिए मैंने इसे मंगा लिया। और उसके साथ फिर मैंने मंगाया था रेवोल्यूशन का, मेकअप रेवोल्यूशन का लंदन जो है, ये मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का फॉर्च्यून फ्लेवर्स द ब्रेव, ये मुझे 1463 में पड़ा था। तो ये पैलेट बहुत अच्छा है, इसमें 30 शेड्स हैं और ओपन तो नहीं किया मैंने, और ये है मेरा लोरियल का जो मैंने जीनियस किट मंगाया, लोरियल का आईब्रो किट वो है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट देखिए कैसा है। अब मुझे इसे वापस करना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर से एक तो ये पूरा टूटा हुआ है, ऊपर से इसमें ब्रश भी नहीं है। हम इतनी महंगी चीज़ें मंगाते हैं, इसका कॉस्ट मैं आपको बताती हूँ। ये लोरियल पेरिस, और ये मुझे लग रहा है कि ये सही भी नहीं है प्रोडक्ट, ये बहुत पुराना डिब्बा लग रहा है, आप देख सकते हैं।
ये डिब्बा बहुत पुराना लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि न्यू डिब्बा है। और इसमें वो ब्रश भी नहीं है, इससे पता चल रहा है कि ये यूज्ड है, क्योंकि अब देख रहे हैं इसमें जो ब्रश रहता है ऑलरेडी वो ब्रश भी नहीं दिया हुआ है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगी कि अभी मैंने आपके सामने ये सब डिब्बे वगैरह खोले हैं, इस डिब्बे में आया था ये, और उसमें ये ऐसी चीज़ें मिल रही हैं हमें, जिसमें हमने ये लोरियल का जो मैंने ख़रीदा है, ये 800 कुछ का पड़ा है मुझे, और ये प्रोडक्ट देखिए आप, और ये लोरियल भी मुझे लग नहीं रहा कि ये बिल्कुल रियल वाला है, ये नकली लग रहा है मुझे। ये पर्स भी मुझे अच्छा नहीं मिला है, मुझे नहीं लगता कि ये वो वाला है जो मैंने पसंद किया था, इसे मैं चेंज करूँगी, मुझे ये चाहिए ही नहीं। कोई ख़राब प्रोडक्ट लेके हम क्या करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें तो वापस जाने वाली है। और मैंने ये मंगाया था बैग, अब बैग का हालत देख ले, पता तो चला मंगाया कुछ और आ कुछ और गया। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट आए तो उसे आप उस दिन देख लीजिए, वरना लेट हो जाएगी तो फिर वो लोग वही सब ड्रामा करेंगे, कहेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। हाँ, तो आप पहले से ही देख लीजिए अमेज़न के। मैंने देखा कई लोगों के पास अभी प्रोडक्ट जो हैं अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिलीवरी करते हैं उनकी उनकी कुछ गड़बड़ी होती है, या कुछ तो प्रॉब्लम है ऐसा। ये मैंने पर्स मंगाया था मेकअप किट रखने के लिए, मेकअप किट के लिए मंगाया है जो ये है। वैसे ठीक है, ज़्यादा सामान रखने के लिए तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है, ये तो ठीक ठाक आ गया है। और मेकअप रेवोल्यूशन का भी जो है पूरा पैक्ड है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खराबी होगी, फिर भी इसे भी चेक कर लेने में क्या बुराई है। सॉरी गोविंद, सुनो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये पैलेट कैसा है। यार देखो इसमें इसका जो प्रोडक्ट मंगाया कैसा है, इधर आप कह रही है मेकअप रेवोल्यूशन का तो अच्छा आ गया फ्रेंड्स, वैसे ही पूरा पैक था तो अच्छा आना ही था। वाह देखिए इसका पैलेट इतना प्यारा है, 30 शेड्स है इसमें, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया दिखाने के लिए कि अमेजन भी लोग कैसी कैसी चीज़ें बेच रहे हैं। ये मैंने लोरियल का मंगाया था, 800 का था, और इसका प्रोडक्ट देखो इसमें वो ब्रश भी नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। और आई ये थिंक दिस इज यूज्ड वन। हाँ यूज्ड वन लग रहा है, मुझे भी वैसे ही लग रहा है। हु आर द यूज्ड वन? दिस इज यूज्ड, कंप्लीटली यूज्ड। और ये देखो ना, ये इसपे मेड इन चाइना भी लिखा हुआ है, तो लोरियल चाइना की कंपनी है। मुझे तो नहीं लगता यार लोरियल चाइना की कंपनी है, वो तो फॉरेन की दूसरे कंट्री की है। ये गलत है, ये भी लिखा हुआ गलत लग रहा है, देखो ना मतलब फ्रॉड लग रहा है, लग नहीं रहा कि वही चीज है। कब आया था ये? कल आया था। रिटर्न करो तो। और ये ब्रश भी ऐसे हैं देखो। क्या ब्रश? ब्रश मैंने मंगाया था ठीक है। हाँ। तो ब्रश में ये वाला ब्रश देखो, ये फैन ब्रश ऐसे थोड़ा ना रहता है, ये ऐसे रहता है पूरा, और ये ऐसे करके कैसे दिया है पता नहीं, अलग अलग टाइप का, फिर समझ नहीं आ रहा है। सब तो ठीक है, बस ये एक ब्रश ठीक नहीं है, पर फिर भी ये यूज नहीं लग रहा है, ये ठीक ठाक लग रहा है। ये अच्छा है, यूज तो नहीं है। दिस इज डिजास्टर, ये खराब हो गया, रिटर्न करो इसको, कंप्लेन करो। कितने का रही है?
800 कुछ का है ये डब्बा। 800 का है? हाँ। कौन से बॉक्स में है ये? इसी बॉक्स में ऐसे पड़ा हुआ था। इस बॉक्स में कोई डिब्बा उब्बा कोई पैकेजिंग नहीं थी इसमें, ऐसे ही पड़ा हुआ था। ऐसे इतने बड़े बॉक्स में ये अकेला आया था? ये आया था, ये आया था और ये आया था। तीनों आया था? तीनों आया था। तो ये तो अच्छे से पैक था, इसकी पैकिंग मैंने अभी खोली इसलिए बिल्कुल न्यू है। और ये भी पैक था पूरा बॉक्स में। अच्छा। लेकिन ये पैक नहीं था, ना ही इस पे कोई डिब्बा था, ना ही कुछ था। ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इसे खोल के डाल दिया गया है। अमेजन कर रहे हैं या कौन डिलीवरी एजेंट कर रहे हैं? कोई तो कर रहा होगा ऐसा। ये भी ये यूज तो नहीं है दोनों तरफ से, देखना जरूरी है। नहीं 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 लग रहा, तो न्यू लग रहा है। न्यू है ना? न्यू है। चलो ठीक है, ये ब्रशेस तो फिर भी ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना कितनी फ्रॉडगिरी चल रही है अमेजन के। तो प्लीज़ आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें कई बार आ जाती है। और कई लोग जो होते हैं जिनको पता नहीं रहता कि इसको रिप्लेस कर कैसे करते हैं, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं देखते उस दिन, कुछ दिन बाद देखते हैं, तब तक टाइम निकल जाता है और ख़राब प्रोडक्ट आ जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना घटिया प्रोडक्ट दिया है। और इसका कॉस्ट मुझे पूरा 816 रुपये की 819 रुपये लगा है। इसका मैंने इसमें पड़ा हुआ है ना, इस वाले फ़ोन में पड़ा हुआ है। तो मैंने इतनी सारी शॉपिंग की, उसमें से ये प्रोडक्ट देखिए कैसा आया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, जो भी चीज़ें मैंने मंगाई है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि लोग कैसे कैसे चीटिंग करते हैं इतनी चीज़ें महंगी मंगाने पे, और फिर बाद में ख़राब प्रोडक्ट दे देते तो कितना बुरा लगता है। हाँ, अगर मैं आज नहीं देखती, और क्योंकि मैं गोविंद का यार मुझे कह रहे थे कल भी कि खोल के देख लो यार, खोल के देख लो कैसा प्रोडक्ट आया, तो मैंने बोला कि नहीं यार मैं देखूंगी बाद में, देखूंगी बाद में देखूंगी। फिर मैंने आज मैंने देखा तो मुझे पता चला कि प्रोडक्ट कैसा आया हुआ, बिल्कुल घटिया प्रोडक्ट है। और अगर मैं आज नहीं देखती, कुछ दिन बाद देखती, तब तक तो टाइम निकल जाता और मेरे 800 रुपये पानी में चले जाते। ये पूरा ही यूज्ड प्रोडक्ट हमें दिया गया है। आप भी इस डिब्बे को ध्यान से देख लीजिए, इस पर स्क्रैचेस है और ये कैसा, ये बीच में पता नहीं क्या लगा हुआ है। और फिर यहाँ से भी देखिए, ये देखिए तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की है आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और आज तो मैं अपने हस्बैंड को भी लेके आई हूँ, ये बता रहे हैं कि कैसा प्रोडक्ट है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ अपनी मेकअप स्टोरी शेयर करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए और सबको हंसाते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, लव यू।